रिलीज हो चुकी है फिल्म आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है जिसमें जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 हटाने से पहले और बाद की घटनाक्रमों के साथ इसे हटाने की जरूरत को दिखाया गया है। फिल्म में यामी गौतम ने आईबी अधिकारी की भूमिका निभाई है जबकि प्रियमणि पीएमओ की अधिकारी बनी है। वहीं अरुण गोविल प्रधानमंत्री की भूमिका में है जबकि किरण कर्माकर ने गृह मंत्री का किरदार निभाया है। फिल्म में एक डायलॉग है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। यही हालात घाटी में है। कश्मीर को सबसे ज्यादा फंडिंग केंद्र से मिलती है ताकि वहाँ पर अमन रहे, विकास हो सके, लेकिन वहाँ के शीर्ष राजनेता, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी अपनी जेबें गर्म करने के लिए कश्मीर की विवादास्पद इकोनॉमी का फायदा उठा रहे हैं। वो अमन हासिल करने का नाटक करेंगे लेकिन होने नहीं देंगे। आर्टिकल 370 की वजह से हर चीज उनके नियंत्रण में है। यह कश्मीर के हालात को बताने के लिए काफी है। इन मुश्किल हालातों में अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर सरकार ने किस गोपनीयता से योजनाबद्ध तरीके से काम किया, ये फिल्म उसके बारे में गहराई से जानकारी देती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्यों को दो हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। कहानी का आरंभ 5 अगस्त 2019 में राज्यसभा में बिल पेश होने के बाद मचे घमासान से होता है। वहां से कहानी वर्ष 2016 में कश्मीर में आती है। आईबी अधिकारी जूनी हक्सर यानी कि यामी गौतम अपने वरिष्ठ की अनुमति के बिना हिजबुल कमांडर को मारने के मिशन में सफल रहती हैं। इस सबके बाद कश्मीर की खूबसूरत वादियों में हिंसा भड़क उठती है, हालात बेकाबू हो जाते हैं, जूनी पर कार्रवाई होती है और यहीं से घटनाक्रम मोड़ लेते हैं। पीएमओ सेक्रेटरी राजेश्वरी स्वामीनाथम यानी प्रियमणि अनुच्छेद 370 के निस्तरीकरण के कार्यान्वयन से पहले कश्मीर घाटी में संघर्षपूर्ण अर्थव्यवस्था को खत्म करने और आतंकवाद का मुकाबला करने के उद्देश्य से गोपनीय मिशन के तहत जूनी को नियुक्त करती हैं। जूनी कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती बने अलगाववादियों और पत्थरबाजों की फंडिंग करने वालों की कमर तोड़ने का काम करती है। उधर कानूनविदों की मदद से राजेश्वरी अनुच्छेद को रद्द करने की बारीकियों पर काम कर रही होती हैं, जिससे सरकार संसद में अपना पक्ष मजबूती से रख सके। इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री अरुण गोविल और गृह मंत्री किरण कर्माकर का पूरा समर्थन मिला हुआ है। इस बीच 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 जवान की शहादत सभी को झकझोर देती है। जूनी उन अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करती है जो अपनी जान जोखिम में डालकर देश सेवा में समर्पित हैं। वो खुद अनुच्छेद 370 की भुक्तभोगी है। ऐसी में जूनी के दर्द और संवेदनाओं को यामी ने संजीदगी से दर्शाया है। उन्हें यहाँ पर एक्शन करने का भी मौका मिला है। पीएमओ अधिकारी के किरदार में प्रियमणि आत्मविश्वासी लगी है। दोनों अभिनेत्रियों और उनके साथ सहयोगी भूमिका में आए कलाकार अपनी परफॉर्मेंस से बांधने में सफल रहते हैं। कश्मीरी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री की भूमिका में राज चुस्ती, कमांडर यश चौहान की भूमिका में वैभव तत्ववादी, खावर अली की भूमिका में राज अरुण और प्रधानमंत्री बने अरुण गोविल, गृह मंत्री की भूमिका में किरण कर्माकर अपनी परफॉर्मेंस के साथ कहानी की रोचकता बरकरार रखते हैं और साथ ही साथ फिल्म का बैकग्राउंड संगीत कहानी के साथ सुसंगत है। तो आपको इस फिल्म का कितना इंतजार था हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐसी ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें TV30 इंडिया का बॉलीवुड प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।